इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। देश को जिस तरह से गुमराह किया जा रहा है, एक इसमें बड़ा षड्यंत्र यह है कि जो चीन के मसले पर यह सरकार पूरी तरह से फंसी हुई है, और चीन जो आके बैठा हुआ है हमारी जमीन में, जो पेंगोंग झील है उसमें फिंगर फोर से लेकर फिंगर एट के बीच में जो उसने टेम्परेरी हॉस्पिटल भी बना लिया है, अपना तोपखाना वगैरह सारा सब कुछ वहां पर लगाया हुआ है और वो वहां से हटने को तैयार नहीं। राजनीति ही राम मंदिर के इर्द गिर्द घूमती है, तो उनका भूमि पूजन करना जाना वो तो बनेगा ही। और आज की तारीख में मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से ये सारी चीजें की जा रही हैं, वो ना तो भाजपा का मंदिर है, ना किसी देश का मंदिर है, ना किसी हिंदुओं का मंदिर है, वो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे नरेंद्र मोदी जी का मंदिर है और वही जो करेंगे वही सब कुछ ठीक है, अन्यथा कुछ नहीं है। तो नरेंद्र मोदी जी आज की तारीख में अहम ब्रह्माष्टमी है, मैं ही हूं जो भी कुछ हूं। ये बात सवाल खड़े करती है कि एक तरफ बाबरी मस्जिद विध्वंस में जो लोग मुलजिम हैं, उन पर जो केस चल रहा है, उनके बयान दर्ज हो चुके हैं। अगर हम कानूनी भाषा में बोलें तो मुलजिम के बयान यानी धारा 313 के तहत, सीआरपीसी की धारा 313 के तहत उनके बयान दर्ज हो चुके हैं। और इसके बाद में केवल दो काम रह जाते हैं, उस मुकदमे पर बहस और अदालत का फैसला। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि 31 अगस्त तक ये इस केस का फैसला आ जाएगा। लेकिन राम मंदिर का जो नींव है, उसका जो भूमि पूजन है, वो 5 अगस्त को किया जा रहा है। एक बात इसमें ये जरूर है कि इतनी जल्दबाजी क्यों है? अगर उनके ही हिसाब से देखा जाए तो जिन लोगों पर मुकदमा चल रहा है वो लोग इस राम मंदिर के मसले में बहुत गहराई से इन्वॉल्व रहे हैं, तो फैसला आ जाता तो उसी के बाद हो जाना चाहिए था। इसमें एक साधारण सा हम सीधा ये कह सकते हैं, लेकिन मैं उससे अलग हटके एक बात कह रहा हूं। देखिए, जो मंदिर है ये एक धर्म विशेष का मंदिर है, उस धर्म विशेष को मानने वाले लोग, उसके साधु सन्यासी, उसके जितने भी धार्मिक कार्यों को करने वाले लोग हैं, वो लोग उस मंदिर का शिलान्यास करें, भूमि पूजन करें, उसका निर्माण करें, जो भी करना है वो करें, ये बात तो सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री नहीं हैं, तब तो वो निश्चित रूप से जाके मंदिर का शिलान्यास करें, भूमि पूजन करें, कुछ भी करें। लेकिन नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री, और प्रैक्टिकल में अगर कहें तो प्रधानमंत्री सबसे मजबूत या सबसे जिम्मेदार वाला एक पद है। और प्रधानमंत्री हैं वो, इसलिए उन्हें किसी भी तरह के भूमि पूजन में, शिलान्यास में, उसके निर्माण में भाग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देश का संविधान, और वो संविधान की उन्होंने शपथ ली है। मैं वैसे नहीं कर रहा, हालांकि मैं मानता हूं कि संविधान को तो बिल्कुल तार तार उन्होंने कर दिया है, पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय संविधान की शपथ ली है और संविधान कहता है कि जो भारत है, देश है, यानी सरकार है, वो किसी उस धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है। देश धर्म निरपेक्ष है और सरकार का कोई धर्म नहीं है। जब सरकार का कोई धर्म नहीं है तो माननीय प्रधानमंत्री जी सरकार हैं, इसलिए प्रधानमंत्री का भी कोई धर्म नहीं है। तो संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री का जाकर अयोध्या में मंदिर का शिलान्यास के लिए भूमि पूजन करना पूरी तरह से गैर संवैधानिक है, गलत है। लेकिन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, बीजेपी की सारी राजनीति ही राम मंदिर के इर्द गिर्द घूमती है, तो उनका भूमि पूजन करना जाना वो तो बनेगा ही। और आज की तारीख में मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से ये सारी चीजें की जा रही हैं, वो ना तो भाजपा का मंदिर है, ना किसी देश का मंदिर है, ना किसी हिंदुओं का मंदिर है, वो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे नरेंद्र मोदी जी का मंदिर है और वही जो करेंगे वही सब कुछ ठीक है, अन्यथा कुछ नहीं है। तो नरेंद्र मोदी जी आज की तारीख में अहम ब्रह्मास्मि है, मैं ही हूं, जो भी कुछ हूं, मैं जो कर रहा हूं वही ठीक है, मैं ही भूमि पूजन करूंगा, मैं ही निर्माण की ईंट रखूंगा, मैं ही नीम रखूंगा, वो सारी चीज कर रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि धर्म से कोई लेना देना उनका नहीं है, किसी भी धर्म से हो। प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो कोरी राजनीति है, और अगर और कड़े शब्दों में कहूं तो राजनीतिक धंधे से ज्यादा और कुछ नहीं है। ऐसे समय में, जिस समय कोरोना की महामारी भयानक रूप से फैली हुई है, देश का बहुत बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में है, लाखों करोड़ों लोग घर से बेघर हैं, लाखों हेक्टेयर जमीन पानी में जलमग्न है, लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं, सर के ऊपर छत नहीं है, और इस कोरोना में हर दिन 50,000 से ज्यादा, 52,000 इतने केस संक्रमण के आ रहे हैं, 750 से ज्यादा प्रतिदिन मौत हो रही है, डॉक्टर्स के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, हॉस्पिटल पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। बिहार की हालत आप देख लीजिए, तेलंगाना की हालत आप देख लीजिए, आप कहीं भी जो स्थिति है उन सारी चीजों को आप देख सकते हैं। क्या हाल उत्तर प्रदेश में है, क्या हाल मतलब पूरे देश में जो इस तरह से हो रहा है, और ये जो महामारी बढ़ती चली जा रही है उसमें 17,00,000 से ज्यादा संक्रमित लोग आज देश में हैं। दुनिया में हम एक दिन में जितने संक्रमण के मामले आ रहे हैं दूसरे नंबर पे हैं, और वैसे हम तीसरे नंबर पे हैं, ब्राजील को हम कुछ ही दिनों में पीछे छोड़ देंगे, ये स्थिति हमारी हो गई है। ऐसे में प्रधानमंत्री का अयोध्या जाकर मंदिर के शिलान्यास के लिए भूमि पूजन करना और उसका पूरा प्रचार प्रसार करना पूरी देश में, पूरी दुनिया में, उसका लाइव टेलीकास्ट कराना, सारा मीडिया उसका लाइव टेलीकास्ट करेगा, जहां जहां भी इनकी सरकारें, आप दिल्ली की बात देखिए, दिल्ली के जो लोग हैं वो कह रहे, दिल्ली के जो भाजपा के लोग हैं उनका कहना है कि 70 की 70 विधानसभाओं में LED लगाई जाएगी, डायरेक्ट टेलीकास्ट किया जाएगा, दिवाली मनाई जाएगी। ऐसे समय में जब देश इतनी भयानक परिस्थिति से गुजर रहा है, जब देश में 81 करोड़, तो खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं, जिनको 5 किलो अनाज और 1 किलो चने की बात कर रहे हैं, 100 करोड़ से ज्यादा लोग 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं, प्रधानमंत्री भूमि पूजन कर रहे हैं, तो यह सब उनको सोचना चाहिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं यह किसी भी हालत में ठीक नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री, अहम ब्रह्मास्मि मैं ही हूं, जो भी कुछ। तो सर आप क्यों देखिए, आप लोगों के दुख दर्द में काम आ रहे हैं क्या? आप लोगों को इतनी भयानक जो महामारी फैली हुई है, आपका उसमें रोल क्या है? आप उसमें पूरी तरह से फेल हैं। आपको ध्यान होगा कि जब 500 केस थे मात्र इस देश में, मात्र 500 केस थे, तब पूरी तरह से लॉकडाउन लगाया गया, और आज 52,53,55,000 केस डेली आ रहे हैं, ये तो ऑफिशियल रिकॉर्ड है जो कि सही नहीं है, और जो इसके अलावा जो है वो लाखों की संख्या में प्रतिदिन केस आ रहे हैं, मौतें हो रही हैं, और 100 करोड़ के लगभग 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं, लोगों के पास एजुकेशन नहीं है। उस स्थिति में आप ये काम करने जा रहे हैं तो क्या लोग इसे पसंद करेंगे? क्या धर्म किसी को रोटी दे रहा है? चंद लोगों को छोड़ दें जिनकी वो दुकान चल रही है, उसके अलावा जो लोग हैं उनकी क्या स्थिति है? निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि लोग इस बात को देख रहे हैं, लोग इस बात को समझ रहे हैं, और आने वाले समय में इसका माकूल जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। जनता प्रताड़ित है, दुखी है, मर रही है। आप अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में हो रहा है ना, जहां अयोध्या जो ये राम मंदिर के निर्माण के भूमि पूजन, उसी उत्तर प्रदेश के देख रहे हैं, उसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जायजा लेने तो जा रहे हैं तैयारियों का, लेकिन वहीं पर अपहरण हो रहे हैं, फिरौती मांगी जा रही है, कत्ल हो रहे हैं। अभी आपने देखा कि 8 दिन पहले एक वकील को बुलंदशहर में धर्मेंद्र चौधरी जो हैं
उनको किडनैप किया गया और उनका कत्ल कर दिया गया। पुलिस को पता ही नहीं है, पुलिस समझ नहीं पा रही। ठीक इसी तरह से देखें, कुछ दिन पहले जो कानपुर में संचित यादव का जो लैब टेक्नीशियन है उसको उठाया गया, और उठाने के बाद में पहले तो उसकी रिपोर्ट ही नहीं लिखी गई, और जब एसएसपी के पास उनके परिवार वाले गए तब जाके रिपोर्ट लिखी गई, और उसके जब रिपोर्ट लिखी गई 26 तारीख को, उसके बाद उसका कत्ल कर दिया गया। उस सब के बावजूद भी 30 लाख रुपए फिरौती के दिलवा दिए गए, पुलिस ने दिलवाए, कहां गए पैसे? अब बाद में यह रिपोर्ट की जा रही है कि उसमें पैसे नहीं थे, उसमें तो केवल खाली थैला था। ये जो चीजें हैं, एक तरफ कत्ल हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लोग अपने उनके साथ में जो जिस तरह की जुल्म और जातियां हो रही हैं उसके लिए प्रशासन के पास जा रहे हैं, सुनता नहीं है तो आत्मदाह कर रहे हैं। आपने देखा होगा अमेठी का मामला देखा होगा आपने, जो ये जो सारी की सारी चीजें हो रही हैं, तो ध्यान किस पे दिया जाना चाहिए? लोगों के रोजगार पर, लोगों की रोजी रोटी पर, उनकी चिकित्सा पर, उनकी शिक्षा पर, उनकी सुरक्षा पर, इस पर कोई ध्यान नहीं है। ध्यान किस पे है? मंदिर पे है, ध्यान मंदिर के पूजन पर है। सारा प्रशासन आपने देखा होगा कि कितना बड़ा इंतजाम किया जा रहा है, कितना जबरदस्त पूरा अमला जो है अयोध्या का, वहां का जो पूरा अमला है, फिरोजाबाद जो उसका है, सब प्रधानमंत्री के इसी कार्यक्रम में, कोई वंदनवार बनवाएगा, कोई माला करेगा, कोई पुताई करवाएगा, कोई ये करेगा, और 1 लाख पैकेट बनवाए जा रहे हैं प्रसाद के, 1 लाख पैकेट। इसका मतलब 1 लाख एक पैकेट बनवाए जा रहे हैं तो 1 लाख लोगों तक बांटे जाएंगे ना, वो यही उसका मकसद है। और ऐसे समय में 1 लाख लोग, मतलब आप कर क्या रहे हैं? ये वही प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन कीजिए, और ऐसे ही समय में ये इतनी भीड़ जुटा के ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं, तो किस तरह से है ये सब आप समझ सकते हैं। और देश इस सारी चीज को देख रहा है, देश इसे भूला नहीं है, और देश को जिस तरह से गुमराह किया जा रहा है, एक इसमें बड़ा षड्यंत्र यह है कि जो चीन के मसले पर यह सरकार पूरी तरह से फंसी हुई है, और चीन जो आके बैठा हुआ है हमारी जमीन में, जो पेंगोंग झील है उसमें फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 के बीच में जो उसने टेम्परेरी हॉस्पिटल भी बना लिया है, अपना तोपखाना वगैरह सारा सब कुछ वहां पर लगाया हुआ है, और वो वहां से हटने को तैयार नहीं है। और अभी तो एक न्यूज ये भी आ रही है कि उत्तराखंड की तरफ भी चाइना ने अपनी जो है सेना को लाना जो शुरू कर दिया है, वहां भी वो जो है गड़बड़ी कर रहा है। तो ये जो इन हालत में जब पूरी तरह से कोरोना के मामले में फेल, चाइना के मामले में फेल, लोगों को रोजगार देने के मामले में फेल, जो पूरी अर्थव्यवस्था है पूरी तरह से चौपट हो चुकी है, इस सरकार के पास अब जो वो है कर्मचारी है उनको पैसा देने के लिए पैसा नहीं है सरकार के पास में, उस स्थिति में सरकार ये सब कर रही है। और मेरा मानना यह है कि प्रधानमंत्री की जो जिम्मेदारी है वो लोगों के दुख दर्द को दूर करने की जिम्मेदारी है, लोगों को रोजगार देने की जिम्मेदारी है, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी है, लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। और जब इतना कड़ा समय चल रहा हो, कठिन समय चल रहा हो, उस समय बाकी सारी चीजों को छोड़कर प्रधानमंत्री को जनता के साथ खड़ा होना चाहिए। धर्मशास्त्रों ने इजाजत देता हो या ना देता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तभी तो कह रहा हूं कि धर्मशास्त्र एक साइड में, संत समाज साधु समाज वो एक साइड में, और मोदी जी एक साइड में, यानी कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही हूं जो भी कुछ हूं, जो मैं कर रहा हूं वो सब कुछ है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये धर्म नहीं है, ये धंधा है, ये राजनीतिक धंधा है। राजनीति को साधने के लिए ये सारी नौटंकी की जा रही है, क्योंकि बिहार का चुनाव सर पर है। होना ये चाहिए था कि बिहार में बाहर की जो मारामारी है, जो असम में बिहार से बुरा हाल है, उनको देखना चाहिए था, उससे लोगों को निजात दिलानी चाहिए थी, उनके दुख दर्द में काम आना चाहिए था, और देश में जिस तरह से ये सब कुछ फैला है उसको रोकना था, उसमें नहीं, क्योंकि पूरी तरह से फेल है, कर नहीं सकते। तो ये धर्म का धंधा चलाया जा रहा है, नौटंकी चलाई जा रही है, अन्यथा तो धर्म शास्त्रों के हिसाब से तो ये स्थिति है। आप इसकी बात करें, दो और मैं आपको बात बताता हूं कि जब हिंदू धर्म के हिसाब से जब देवता सोए हुए हों, और इस समय सोए हुए हैं देवता ऐसा कहा जा रहा है, तो उस समय कोई भी काम ऐसा नहीं हो सकता जो ये काम पूजन वगैरह का किया जा रहा है। इसके अलावा पंचक लगे हुए हैं, जिस समय की बात करो पंचक में तो वैसे भी कोई काम नहीं होता, ये हिंदू धर्म शास्त्र के हिसाब से, मेरे हिसाब से इनका कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है।
पर हिंदू धर्म शास्त्र के हिसाब से है। तो ये हिंदू धर्म शास्त्र के हिसाब से चलने वाले जो हिंदू लोग हैं, उन हिंदू लोगों को सोचना है कि ये तुम्हारे धर्म का सम्मान हो रहा है या तुम्हारे धर्म को धंधा बनाकर राजनीति साधी जा रही है, ये उनको सोचना है। नहीं, मैं तो देख रहा हूं, देखिए लोगों के जले पर नमक नहीं छिड़का जा रहा, केवल नमक नहीं छिड़का जा रहा, नमक भी छिड़का जा रहा है और उस पर नस्तर भी चलाया जा रहा है, घावों को कुरेदा जा रहा है। मैं वही बात आपको बार बार ये बता रहा हूं कि जब देश में इतनी भयानक मारे मारी है कि 100 करोड़ लोगों को दो वक्त की रोटी नहीं, खुद सरकार 81 करोड़ लोगों को, वो जो मैंने आपको बताया कि 5 किलो अनाज 1 किलो चना की बात कर रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि 10 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। अभी एमएसएमई की रिपोर्ट आई है, एमएसएमई में अप्रैल से लेकर जून तक 2.5 करोड़ के लगभग लोग बेरोजगार हो गए और आने वाले 2 महीनों में तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ लोग और बेरोजगार हो जाएंगे। यानी अकेले एमएसएमई में ही 4 से 5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए और टोटल जो बताया जा रहा है 10 करोड़ लोग बेरोजगार। ये स्थिति है। सरकार का जो बजट बनाया गया था 1 साल का, वो 4 महीने में खत्म हो गया। सरकार के पास किसी भी चीज को देने के लिए पैसा नहीं है। जो भी प्रोजेक्ट उसने बनाए थे सारे प्रोजेक्ट रुक गए हैं। 1701 जो प्रोजेक्ट है सारे रुक गए हैं, डिले हो गए हैं और उस पर 4 लाख करोड़ रुपए का भार, अतिरिक्त भार पड़ गया। यानी इतने वो कॉस्टली हो गए हैं, इतने महंगे हो गए हैं वो। तो उन हालात में जब लोगों की इतनी बुरी स्थिति है, सरकार को करना तो ये चाहिए था कि जो बिजली के बिल हैं वो माफ करने चाहिए थे सरकार को। सरकार ने वो माफ नहीं किए, बल्कि बिजली के बिल और बढ़ा दिए गए। सरकार को तेल के दाम कम करने चाहिए थे, वो कम नहीं किए। सरकार ने तेल के, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए और डीजल के दाम पेट्रोल से भी ज्यादा कर दिए। यह स्थिति है। सरकार को लोगों को रोजगार देना था, वो नहीं दिया गया। यानी लॉकडाउन खुलने के बाद भी आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। सरकार किसी स्थिति में नहीं है और ऐसी स्थिति में ही नौटंकी सरकार कर रही है कि शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति ला रही है, मंदिर का निर्माण कर, जब कुछ केवल लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है और जो असली मुद्दे हैं जिन पर सरकार पूरी तरह से घिरी हुई है, उन मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। और यह मैं समझता हूं कि देश की पीठ में छुरा भोंकने और देश के लोगों के जले पर नमक छिड़कने और उनको एक नस्तर से, गर्म नस्तर से कुरेदने वाली स्थिति है, जो इस सरकार को नहीं करना चाहिए।